आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।
समस्त प्राणी मात्र से जीव मात्र से सर्वेषां पुष्टि रस्तो साधु पुष्टि रस्तो साधु सुगंधि रस्तो साधु कल्याणमस्तु साधु मस्तु साधु वृद्धि रस्तो साधु एकायु रस्तो साधु भगवत्प्रदानानि सदा सन्तु साधु सद्गुरु श्री बालायो नुरागुरु श्री रस्तो साधु ॐ ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप पुष्पाश्च भवतु साधु श्री परमस्य अवसरम सर्वशं संपूजिता राम कृपालिता राम जय इंद्र सामने
करो तो शांति भगवान की, करो तो शांति भगवान की, करो तो शांति भगवान की। और पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी महाराज की, और पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की, देखो सिंहासन पर करके परमात्मा एक एक कण पवित्र है। कितने भगवान अनंत भगवान उठ गए ये तो हमें पता ही नहीं कहां से गए। ये तो परिकल्पना करके एक एक टोंक की रचना की गई है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा जगे इस टोंक से मोक्ष गए हैं। भगवान का भी दर्शन करते हैं तो हमारी दृष्टि आसमान को छूती है। आप यहाँ से मोक्ष गए हो, सिद्धालय को गए हो, ऐसा सिद्धों का दरबार है, तो भावना अवश्य माना। इसी प्रकार से पूरी तरह के चरणों में भी हम सम्मेलित करने एक बार सिद्धों की आराधना करें। शिक्षक महामंडल के नाम से चलो नवीनाथ भगवान की जय। शिखर जी के वन मदन को जो एक बार जाओगे, शिखर जी के वन मदन को जो एक बार जाओगे, कितनी सुंदर सुंदर व्यक्ति की, और उस व्यक्ति ने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए। मात्र सुना है कि तीर्थंकर ऐसे होते हैं, क्योंकि अंतरंग की ज्योति थी, बाह्य ज्योति उसकी थी नहीं, फिर भी अंतरंग की ज्योति से कितना अवलोकन कर करके एक एक रचना में कितना रस भरा हुआ है। जब उनकी रचना सुनते हैं रविचर की, तो लगता है सुनते ही चले जाओ। जब भी कोई भजन गाते तो लगता है वाकई में भजन में कैसा भजन है, कैसी अनुभूति निकलती है। लेकिन हमारी समझ से वही रहा जा चुका है। चाहे रविंद्र जैन हो, रामायण का कितना सुंदर संगीत दिया वो भी रविंद्र जैन ने ही दिया। राजेंद्र जैन रविंद्र जैन समाज के हीरा थे, चले गए, लेकिन अपनी चोरी रूप सीखी ने ना
विजय अजर मंगल विद्वानी पंची वेणु संपत्ति जिच्चे तलेशो निपे पे पदमा अरखम निर्वांदी स्वाहा। चलते हैं नंदीश्वर। अब दोस्तों परिश्रम सरकार जी भी जाते हो तो घर से निकलना पड़ता है, स्टेशन पे जाना पड़ता है, गाड़ी पकड़नी पड़ती है, इसी में उतरना पड़ता है, वहाँ से गाड़ी करनी पड़ती है, फिर जाके धर्मशाला तक आओ। चुप 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 बेचनी है जीवन की, चुप 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 बेचनी है जीवन की। एक दूसरे कंधे ध्यान ऐसी स्थापना करनी है। ओम रिपी नंदीश्वर दीप द्वीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिखियो विद्यमान दो पंचासा जिला लेस्त जिन प्रतिभा समो आत्र अवतर होता सब सर चौहान राम। ओम रिपी नंदीश्वर दीपे पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिखियो विद्यमान भी दो पंचासा जिला लेस्त जिन प्रतिभा समो आत्र तिष्ट तिष्ट ठहरे स्थापना। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिखियो विद्यमान दो पंचासत्र जिनालेश जिन प्रतिभा समो अत्र मम सन्नितो भव वसत सन्निधि करणा। आओ आओ पुष्पांजलि चलिए चलते हैं। देखिए अपने बीच में एक बहन के दीप मान विचारो विश सोहि भावन निजते बंदे बिना सुदे गणे मद मोहि। पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर दिखियो द्वीप पंचासन जिनालय सर जिन प्रतिमा पे भवता विनाशने चंदनम निर्भवामी। जन प्रतिमा प्याक शब्द प्राप्त एक स्तंभ रूपांती। सभी में
इस पितामह की वजह से बड़ा परिवार में कहा जाता है वो गंगा पुत्र थे, और ऐसा भी कहा जाता है मृत्यु भीम की इच्छा से ही होगी एक कहा जाता है, लेकिन जैन दर्शन के अनुसार ये नहीं है, क्योंकि जब इसकी आयु इतनी निश्चित है वो अपनी आयु भोगेगा। फिर भी चलते हैं हम, युद्ध हुआ और मैं विजय प्राप्त की, घर में भोज का कार्य चल रहा था, श्री कृष्ण जी भी आए हुए थे, खुशी क्यों नहीं थी, इसलिए खुशी नहीं थी जिनसे हमने विजय प्राप्त की, जिनको मेरे मारा है वो कोई गैर नहीं है, वो हमारे अपने हैं, बात की बात पर युद्ध करना पड़ा, अंतरंग से युद्ध के परिणाम भी नहीं थे और इतने क्रूर परिणाम भी नहीं थे, क्योंकि वो मोक्षगामी जीव थे पांडव, तीन पांडव मोक्ष गए, मोक्षगामी जीव के इतने क्रूर परिणाम हो गए क्या? अशरीरा जीव घना हो चुका तन सड़ियाड़िया सायार मनायारा लखन में यंतु से धारम अट्ठ गुणातीत संसारा अट्ठ विह कम वियला सिद्धि भूदानी रंजनाणिचा अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञि वासिनो सिद्धा सिद्धा नट्ठट्ठ मला विशुद्ध बुद्धि लब्धि सभावा त्यु अण सिर से हरिया पसियंतु भड़ा रया सबे गमणा गमण विमुक्के वियडिय कम पयडि संघारा सासह सुह संपत्ति सिद्धा वंदियो निचम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नान धनसण मयाडम तेलोये से हराडम नमो सदा सब से धाडम सम्मत नान धनसण वीरिय सुहमं तहे वावग्यहणम अगुरु लघु वव्वाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे या नाणम मि दंसणम मिय सिद्धे सिरसा नमस्सामि इच्छाविवन्ते सिद्धवत्ति कावसोगो को तसालोच्यों समनाण समदंसन समचरित जुत्ताणम अट्ठ विह कम विपमुक्काणम अट्ठ गुण संपन्नाणम उड्डुलय मथ्यमि पयठ्याणम तव सिद्धाणम णै सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम समनाण समदंसन समचरित सिद्धाणम अतीदानागत वर्तमान कालत्य सिद्धाणम सयाणिच कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि रमस्सामि दुख कौ कम कौ गई गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम इति पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समीतम श्री सिद्ध चक्र महामंडल निर्विघ्न संपन्नार्थम प्रारंभ करणार्थम कायोत्सर्गम करोम्यहम नौ बार अडमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमः सिद्धि
इसी कारण से तो अरहंत परमेष्टि चार घातिया कर्मों का नाश करने के उपरांत भी इसी धरा पर रुके रहते हैं, उस अंतिम पायदान को पार करने में मात्र कितना समय लगेगा, अयुरिलरी इतने लघु ह्रस्व स्वरों को बोलने मात्र में
चौदवा गुण स्थान पार हो जाएगा और सद्धालय में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब भी वह अरहंत परमेश्वरी जब तक चार अघातिया कर्मों का क्षय नहीं करते हैं, जब तक वह आयु कर्म का भोग नहीं कर लेते हैं, तब तक सत्य नहीं बन पाते। अब खुद ही सोचो कर्म की शक्ति कितनी प्रबल है कि वह अरहंतों को भी रोक रखती है। वह अरहंत परमेश्वरी केवल ज्ञान के धारी, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य के धारी, उनको भी कर्मों के कारण इस धरा पर रुकना पड़ता है। कई लोग कहते हैं रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। वह कर्मों की रस्सी जल तो गई, पर वह चार अघातिया की वो बल गई नहीं, जिस कारण से वह संसार में रुके हुए। पर हाँ, इतना जरूर है वह रस्सी कच्ची पड़ गई, कमजोर पड़ गई, एक झटके में टूट जाएगी। उसको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे नदी या जहाज सरोवर के सागर के किनारे पर बंधा हो और उस रस्सी में आग लग जाए, तो फिर वह रस्सी ज्यादा देर तक उस जहाज को रोके नहीं रख सकती। हवा का झोंका आया और हो सकता है रस्सी टूट जाए, बरसात की तेज बौछार आए, ओले पड़ जाएं, तो हो सकता है रस्सी टूट जाए, या कोई बच्चा खेल खेल में भी रस्सी का सहारा ले ले तो भी वह रस्सी टूट जाए। ऐसे अघातिया जिनके माध्यम से घात नहीं हो रहा पर संसार में रुके हैं, ऐसे कच्ची लोई, कच्ची माटी कहते ना खेल खेल कर, ऐसे कच्ची माटी वाले वे अघातिया कर्म अपने आप में भी शक्तिशाली होते हैं। जब जिस भक्ति का मोहनीय रूपी राजा हार जाए, परास्त हो जाए, अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दे और सरेंडर कर दे, तो उसकी सेना किसे खड़ी रह सकती है? उसके मंत्री और सेनापति वह ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और वेदरीय भी, अंतराई भी अपने हथियार डाल देते और बाकी बची वो सेना वह तो राजा के हारते ही दौड़ने लगती है, भागने लगती है। उनके अंदर वो शक्ति नहीं कि वह आत्म राजा को हरा सके, इसलिए वो आयु नाम गोत्र और वेदनी रूपी वो चार सेनाएं आत्मा रूपी राजा का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अब वह पुनः उसको बंधन में ला नहीं सकती। अब तो जैसे धीरे धीरे राजा हारा है, तो वह चार सेनाएं जो बची चारों द्वारों पे खड़ी थी, अंदर जाने को कोई रोक नहीं सकता, अब तो वे सर झुकाए खड़ी हैं, हमने आपकी सत्ता स्वीकार कर ली, अब आप जब तक चाहे हमें नौकरी पर रखें, चाहे जब निकाल दें। जीव एक हर समय हर क्षण आठ कर्मों में से सात कर्मों को निरंतर भागता रहता है। इस समय भी आपके सात कर्म बन रहे हैं। एकमात्र आयु कर्म एक ऐसा कर्म है जो हर समय नहीं बनता, वह आठ बार उसका समय आता है। उतने बार में यदि बन गया तो ठीक, अन्यथा अंतिम समय मरण के अंतर्मुहूर्त में वह गति का बंद करता है, आयु का बंद करता है और फिर जीव अपने अगली आयु की ओर प्रस्थान करता है। कर्म की सत्ता को कोई भी ठुकरा नहीं सकता, नकार नहीं सकता। ये कर्म चाहते हैं इंसान को, ये कर्म चाहते हैं जीव को अपना नौकर बनाना, ये अपने आप को मालिक और सामने जीव को अपनी सत्ता के अनुसार चलाने का भरपूर प्रयास करता है। आप खुद ही अपने आप को देख लो ना, आप कौन हैं? एक शुद्ध निराकुल चेतन होने की सक्षमता रखने वाले वह जीव हैं, सिद्धालय में जाकर निवास करने वाले वह जीव हैं। वह जीव ना दिखाई देता है,
ना उसका कोई रंग रूप होता है, ना उसका कोई स्वाद होता है, फिर भी हम लोग सब दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कर्म के कारण। कर्म इतना प्रबल हो गया कि जीव को भी पुद्गल जैसा दिखा रहा है, लेकिन आपका ये चलता फिरता पुद्गल, ये शरीर आपका ज्यादा प्रिय हो गया, और जो दिखाई नहीं दे रहा वह अंतर आप स्वयं बैठा हुआ आत्मा, उसको ध्यान ही नहीं दे रहा। वो बेचारा तरस रहा है, इस शरीर में कैद हुआ कब से परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी चाह नहीं उसकी पूरी हो पा रही। बार 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 बाहर के संयोग मिलते हैं, कर्म को कर्म मिल जाता है, और वह अपनी फिर से सत्ता जमा लेता है। बार बार इलेक्शन होता है, बार बार इलेक्शन में मुनि दीक्षा मिलती है, संयम मिलता है, एक देश अणुव्रत धारण करता है, लेकिन फिर भी उस इलेक्शन में खड़े होने के उपरांत भी कर्मों की वोटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि वह आत्म राजा बन नहीं पाता, वह आत्मा जीत नहीं पाता, चाहते हुए भी, क्योंकि एक कर्म भी बांधने के लिए काफी है। जब सात कर्म एक साथ बंधते हैं तो किसी कर्म की महत्ता बढ़ जाती है और किसी की कम हो जाती है, लेकिन बंधते सातों हैं। कैसे बंधते हैं? जब आप किसी के ज्ञान में बाधक बनते हैं तो उस समय ज्ञानावरण कर्म की महत्वपूर्णता होती है, उसकी महिमा होती है, वो आगे आकर लड़ता है, वो सेनापति बन जाता है, लेकिन शेष सात भी उसके साथ आते हैं। जब किसी को दर्शन करने से रोकते हैं, मंदिर नहीं जाना, यहां नहीं जाना हो, तो आपको भी वह दर्शनावरणी कर्म की मुख्यता से कर्म बंद होता है, लेकिन शेष सात कर्म छह कर्म भी अपने साथ साथ आते हैं। ऐसे ही किसी के कार्य में बाधा डालोगे तो अंतराय की मुख्यता रहती है, किसी को कष्ट दोगे या किसी को खुश करोगे तो साता साता वेदनी की मुख्यता रहती है, और कभी मोह में फंसकर अपने मंदिर आदि धर्म ध्यान को छोड़ते हो, पुण्य कार्यों को छोड़ देते हो, तो मोहनी कर्म की सत्ता प्रबल हो जाती है, और जब किसी को दुत्कारते हो, किसी को नकारते हो, किसी क्रोध मान माया में फंस जाते हो, तो ऊंच और नीच गोत्र में मुख्यता लेकर कर्म बंद होता है, और जब किसी के गुणों का गुणगान करते हो या किसी की निंदा करते हो तो भी नाम कर्म आदि का बंद होता है। और आयु हमारी मिश्र अवस्था में जब हम तीव्र कषाय में आ जाते हैं या फिर शुभ उदय में आते हैं, तब तीव्रता के विषय में आयु कर्म का बंद होता है, वह अंत में होता है, आठ अपकर्षण काल आते हैं। लेकिन महानुभाव कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, ये कर्म बंधे तो हम ही तो भागने वाले हैं, हम अपने आप को दोषी ठहराते नहीं है, सामने वाले को दोषी ठहराते हैं। जो कुछ किया तुम्हारे कारण हुआ, तुमने गुस्से में टीवी फोड़ दिया, लड़ाई हो गई, और बाद में जब शांति हुई तो तूने गुस्सा क्यों दिलाया? यदि तू गुस्सा ना दिलाता तो मैं टीवी ना फोड़ता। गलती किसकी? गुस्सा दिलाने वाले की गलती है। महानुभाव जब तक दूसरों के कंधे पर रखकर आप लोग आक्रमण करते रहोगे, गोलियां चलाते रहोगे, तो तब तक तुम विजय हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? ये कहावत क्यों है दूसरे के कंधे पर गोली चलाना? क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो कंधा तुम्हें दे रहा है उसका पल भर भी भरोसा नहीं है,
हिलोगे? वह उसने कंधा हिलाया, तुम्हारा निशाना चूक गया। दोष किसका? कंधे वाले का। ये राजनीति है, दूसरे के आधार से अपनी बात कह दो और जो सामने खड़ा होगा वह फंस जाएगा और तुम बच जाओगे, लेकिन कर्म से कैसे बच पाओगे? ये पुण्य और पाप दो रूप में कर्म सत्ता चलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। कर्मों को आठ वेद जो हैं उनको दो रूप में बांट दो, एक पुण्य कर्म होते हैं और एक पाप कर्म होता है, इसके अलावा तीसरा प्रकार का कोई नहीं होता। जब पुण्य और पाप रूपी जो कर्म हैं निरंतर जीव से बनते हैं, केवल और केवल जब मिथ्यात छोड़ता है, प्रमाद कषाय योग इन पांच प्रकारों को छोड़ता है, तब जाकर उसका आश्रव रुकता है। लेकिन ये छूटते हैं नहीं और कर्म बंधने से रुकते हैं। प्रत्येक क्षण में आपके चारों ओर कर्म वर्गणाएं विद्यमान है, जिन्हें कारमांड वर्गणाएं कहते हैं। वह कारमांड वर्गणाएं आपके एक क्षण भी दूर नहीं है और वह कारमांड वर्गणाएं पुण्य और पाप रूप में परिवर्तित होती हैं, जैसे आपकी भावना हो। यदि आप किसी के प्रति बुरा भाव रख रहे हैं तो सडनली आपके मन वचन काय में जो हलन चलन हुआ और वह कारमांड वर्गणाओं में आकर्षण उत्पन्न हुआ और वह कर्म रूप में परिवर्तित होकर आपकी आत्मा से चिपक जाता है, वही अच्छी भावना है तो पुण्य रूप में आ जाएगा और यदि बुरी भावना है तो वही कर्मण रूप पाप रूप में परिवर्तित होकर आपसे लिपट जाता है, चिपक जाता है, एक में खो जाता है। जिस तरह से ये कर्मण वर्गणाएं आपके विचारों का इंतजार कर रही है, जैसे उदाहरण के तौर पर माने कि स्फटिक मणि है, उस स्फटिक मणि को किसी भी रंग के ऊपर रख दो तो वैसे ही रंग की स्फटिक मणि दिखने लगती है। ऐसे ही ये कर्म वर्गणाएं भी, कारमण वर्गणाएं हमारी भावों के अनुसार कभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत, अंतराय किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके लिए अलग से कोई नियुक्ति नहीं है, इसलिए सावधान रहना। बंद कमरे में भी वे वर्गणाएं आपके चारों ओर हैं, इसलिए कहते हैं खुद से और खुदा से कुछ बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता। ये खुदा कौन? खुदा कौन है? हमारे परमात्मा यानी केवल ज्ञानी। उनके केवल ज्ञान में सब कुछ छुप रहा दिख रहा है, सब कुछ झलक रहा है, तुम किससे छुप रहे हो? यहां तक कि तुम्हारे मन की बातें तो मने परिज्ञानी मुनिराज भी जान सकते हैं, केवल ज्ञानी महाराज तो बहुत ऊपर। किनसे छुप रहे हो? किससे मायाचारी कर रहे हो? किसको धोखा देने का पुरुषार्थ कर रहे हो? ये तुम्हें कर्म छोड़ने वाले नहीं है। गुरु जी कहते हैं ये कर्म सबसे न्यायप्रिय राजा है, इससे बढ़कर कोई न्यायप्रिय हो नहीं सकता, क्योंकि यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो ये तुम्हारे साथ अच्छा कर नहीं सकता, और यदि तुमने किसी के साथ अच्छा किया है तो कर्म की इतनी शक्ति नहीं कि तुम्हारे साथ कोई बुरा कर जाए। इसलिए घबराओ मत, अच्छा करो। अच्छा करने वाले के साथ सब अच्छा ही होगा, और यदि बुरा हो रहा है तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व कर्म का क्षय हो रहा है, जैसा भी पंडित जी बता रहे थे। किसके? भीष्म पितामह के कर्म का उदय 101 पुराना भव का आज उदय में आया। इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी तक मोहनीय कर्म आगे आ सकता है। क्यों घबराते हो? क्षय करने के शक्य रखो, साहस रखो, समता परिणाम रखो। ये कर्म तुमसे ज्यादा बली नहीं हो सकता, ये तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि इसको बुलाया भी तुमने है और भगाना भी तुम नहीं। घर में ताला लगा दो तो कौन प्रवेश कर सकता है? मेहमान बेचारा आएगा, ताला देखकर चला जाएगा।
कई लोग तो इतने भी चलाक होते हैं, अंदर बैठे रहते हैं और बाहर से ताला लगवा कर चले जाते हैं कि आप चाबी ले जाओ, मैं घर में ही हूँ, कोई चिंता नहीं। और बाहर से मेहमान आए, काम ना करना पड़े, इसलिए बाहर से ताला लगवा। अच्छा होली देखो सब खुल जाती है। सोने घर का पाहुना जो आवे, यदि सोना घर पड़ा है, ताला पड़ा है, तो बाहर से ही चला जाएगा। और यदि वह कर्म रूपी मेहमान अंदर भी आ गया, और यदि उससे चर्चा नहीं करो तो, खाने पीने को मत पूछो तो कब तक टिकेगा? किसी को अपनी बेइज्जती पसंद, किसी को अपना अपमान पसंद नहीं होता। कर्म को भी अपना अपमान स्वीकार नहीं है, बहुत स्वाभिमानी है, करके तो देखो। उस कर्म के आने को तुम स्वीकार करते हो तो ध्यान से बैठ जाओ, एकाग्र हो जाओ, मन वचन काय की हलन चलन त्याग कर दो, कर उसकी क्या मजाल, वो जब तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए, उसकी क्या मजाल, वो दिन भर के लिए भी तुम्हारे पास टिक जाए। और तो और, जो उसके साथी, उसके मेहमान और तुम्हारे घर में बैठे थे, उनको भी कहेगा चलो यहाँ पे कोई हमारी इज्जत नहीं है, चलो यहाँ से। कभी कभी बारात में होता है ना ऐसा, बारात में यदि कुछ ऊंच नीच हो जाए तो जो मुखिया नहीं है लेकिन बराती में आया है, वह और भी बरातियों को लेकर चले जाते, चलो भैया यहाँ पे अपनी इज्जत नहीं है। ऐसे कर्म भी होते हैं, अपनी सत्ता के लोगों को सबको ले जाने लगते हैं, चलो आप लोग हिम्मत करके देखो तो सही, ये कर्म तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बस खाने को मत दो, इसको पहनने को मत दो, इसको अच्छा अच्छा देखने घूमने फिरने को मत दो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास टिक नहीं पाएंगे। पर ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? जब तुम ही इसके अनुसार चलना चाहते हो, चलो बहुत दिन से पिक्चर नहीं देखी, किसी मूवी हॉल चलते हैं, संडे आया है, छुट्टी का दिन है, चलो। अरे भामाई बनानी थी तो देखने का ही मन हो रहा है, इंद्रिय का विषय ही अगर आपको भा रहा है तो कम से कम किसी तीर्थ क्षेत्र पे चले जाओ, जिनेंद्र प्रभु की प्रतिमा को ही देखा। देखने का ही मन हो रहा है तो किसी सिद्ध क्षेत्र पे चले जाओ, देखने का ही मन हो रहा है तो किसी दिगंबर मुनिराज के पास चले जाओ, उनकी मुद्रा देखा, उनको आहार देखा, उनको आहार देकर आ जाओ, तुम्हारे पाप अपने आप क्षय होते चले जाओ। लेकिन अब हर बार क्या संडे है तो क्या हर बार मंदिर जाए क्या, हर बार क्षेत्र पे जाए क्या, हर बार महाराज जी के पास जाए क्या, कोई और काम नहीं है क्या? यदि काम करते रहोगे तो फिर निष्काम नहीं बन पाओगे, निकम्मा क्या बनना है, निकम्मा बनना है। मैं नहीं कहता, कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान नेमी चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं, द्रव्य संग्रह में कह रही है, निकम्माट गुणा किंचुणा चरम देह दो सिता लोयंगटिनाणिचा उत्पाद वहिं संजुता। निकम्मा जो निष्कर्म है, जिनके पास कर्म नहीं है, प्राकृत में उसे निकम्मा कहते हैं। तो हमें क्या बनना है, ताकि क्या बनना है, नहीं बनना, निकम्मा बनना है, लोक व्यवहार वाला निकम्मा नहीं बनना, पारलौकिक वाला निकम्मा बनना है। एक भी कर्म नहीं हमारा हाथ में, जब तक काम करते रहोगे तब तक बेकाम के हो, किसी काम के नहीं हो, संसार के काम के हो सकते हो, इसलिए संसार में रहो। और जब काम करना छूट जाएगा कभी ट्राई करके देखना, माता बहने भी एक दिन कहना हम कुछ काम नहीं करेंगे, कितनी सुनने को मिलेगी। यदि पुरुष कह रहे हैं आज पिताजी मैं घर पे ही रहूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, घर में भी या रहे, चलो पत्नी कहती कुछ काम कर लो, बोले आज कुछ काम नहीं करूंगा, तो तुरंत सुनने को मिल जाएगी काम का ना धाम का, सबके घर में बोलते हैं, सबको याद है। मैं तो कुछ कहता नहीं, आप ही कह देते,
ये सबके घर की स्थिति है, इससे क्या पता लगता है? सब स्वार्थ का संसार समझ मन बावले, सब स्वार्थ का संसार। जिसको तू अपना कह रहा है वही तेरे को काम ना करने पर बेकाम कह रहा है, दुश्मन अनाज का कह रहा है। अरे कब तक छाती पर? मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कितना भी पुरुषार्थ कर लेना लेकिन इन डायलॉग्स को निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपने कर्म ऐसा किया है, आपने मोह अपना इतना फैला दिया, इतना प्रबल कर दिया कि सबको ऐसे जकड़ कर बैठे हो कोई एक हाथ भी छूट ना जाए। कर्म की सत्ता को आपने ही पकड़ा है। एक बार एक व्यक्ति आया वर्णी जी के पास, बोला मेरे से शराब नहीं छूट रही, थोड़ा सा मुझे कोई मंत्र बता दो, कोई ऐसा आशीर्वाद दे दो मेरी शराब छूट जाए। वर्णी जी ने बोला एक काम कर, कल आना। जैसे ही वो कल आने लगा, वर्णी जी भागकर जाकर खंभे को पकड़कर खड़े हो गए। बोले वर्णी जी क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, चल रहा था एकदम से खंभे ने मुझे पकड़ लिया। तो बोले छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ो, इसने मुझे पकड़ रखा है। बोले वर्णी जी क्या हो गया, कई दिन से आहार नहीं किया क्या है? सर पे चढ़ गई क्या गर्मी? छोड़ने तो मैं आया था, लगता है गलत एड्रेस पर आ गया। बोले जब तुझे इतना ही ज्ञान है तो तू समझ क्यों नहीं जाता कि शराब को तूने पकड़ रखा है, शराब ने तुझे नहीं पकड़ा। दूसरे को शिक्षा देने वाला बहुत आसान है, समझना दूसरे को समझाना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं समझना बड़ा मुश्किल है। नरेंद्र जी मैं कह नहीं रहा कुछ, सब आते हैं एक बार नरेंद्र जी को कह जाते हैं अब उम्र हो गई, कब तक घर में रहोगे, एक टाइम भोजन करते हो, कब तक घर में रहोगे, अब तो महाराज जी ने ले जाओ। भैया तुमने क्या कमी है, तुमने भी तो कोई कमी नहीं है। लेकिन हम हमेशा क्योंकि आंखें कहां लगी है, बाहर की ओर लगी है, अंदर की ओर नहीं लगी, इसलिए इसे जब भी दिखता है बाहर ही दिखता है अपना, बिना किसी आलंबन के चेहरा आज तक किसी ने देखा नहीं होगा और देखना भी नहीं चाहते। नासा दृष्टि कर लो तो कम से कम नाक तो दिख जाए, इसकी तो बच जाए कम से कम, लेकिन इतना भी पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए दर्पण का सहारा लेते हो, दर्पण में देखते हो, दूसरे पर विश्वास करते हो, दूसरे को विश्वासघात करते हो, लेकिन स्वयं पर विश्वास नहीं करते। जब तक यही चलता रहेगा, कथनी और करनी में अंतर चलता रहेगा, तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। पर भगवान बनना है, सिद्धों की आराधना को सार्थक करना है, तो कम से कम इतना ही करना छोड़ दो, अंदर और बाहर के भेद को एक कर दो। इस शरीर को और आत्मा को तो अलग अलग जानो, लेकिन अंदर में जो विचार अलग और बाहर शरीर से क्रियाएं अलग हो रही हैं, उन क्रियाओं का भेद छोड़ दो, उसे एक कर दो। कई लोग कहते हैं महाराज जी सच बोलने पर भी तो झगड़ा हो जाता है, काणे से काणा कहो तुरंत ही जाए रूठ, अरे धीरे धीरे पूछ ले कैसे गई थी फूट। किसने कहा तुम ऐसा सत्य बोल दो कि सामने वाला रूठ जाए? प्यार से भी तो पूछ सकते हो, लेकिन वहां तुम्हारा भाव गलत ना हो इतना ध्यान रखना, मजे लेने के लिए मत पूछना, उसके उपचार के लिए पूछना तो अंतर बहिर्ग हिंसा हो जाएगा। पूजा करने बैठे और पूजा करते करते मन में भाव आ रहा है भूख लग रही है घर चलो, किसी ने पूछा कैसा मन लग रहा है पूजा अच्छे से, अरे क्या आज तो ऐसा आनंद आ रहा है साक्षात अग्निश्वर जी पहुंच गए,
कौन मायाचारी कर रहा है, जबरदस्ती है क्या? अरे कह दो ना सच्ची सच्ची ईमानदारी से, मन में थोड़ी विकल्प आ रहे हैं, थोड़ा सा भूख का जोर लग रहा है, हो सकता है सामने वाला तुम्हें साहस दे दे, तुम्हें परिणामों को सुधारने का पुरुषार्थ कर दे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं, खाली बैठे बैठे पापों का आश्रय करते हैं। क्या कर रहे हैं? अरे हम तो घर में हैं, मोबाइल करके बात करते हैं। वे कहां पर हो? घर में बैठे हो और कह दोगे जरा काम से गया हूं ऑफिस, कहीं मैं आउट ऑफ दिल्ली हूं, और सारी बातें बना दोगे। और तो और बच्चे से कहते हो जा, बच्चे कह दे पापा घर में नहीं है, बच्चे मानना है, पापा कह रहे हैं पापा घर में नहीं है। झूठ बोलना किसने सिखाया? और बच्चों को आपने जैसे संस्कार दे दिए वैसे ही वो ढल जाते हैं। और ये कर्म है फ्री फंड के, बिना बुलाए बिना मेहनत के कर्म आश्रम हो जाता है। हम चाहते हुए भी इनसे बच नहीं पाते, पुरुषार्थ करने वाला इनसे बच जाता है। कर्म दहन करने का विचार आपको आज आ रहा है। सिद्धों की भक्ति में 5 विधान सम्मिलित हैं, इसलिए विधान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विधान 64 ऋद्धि विधान, दूसरा विधान शांतिनाथ विधान, तीसरा विधान ये कर्म दहन, चौथा पंचपरनिष्ठ विधान, और पांचवा सिद्ध चक्र विधान, सहस्त्रनाम विधान, और छठा सिद्ध चक्र, इनका सामूहिक रूप से 8 दिन में 6 विधान करने का आपको मौका मिल रहा है। और क्या नाम लिख रहे हो? सिर्फ एक सिद्ध चक्र। ऐसा पुण्य का आश्रम भगवान के पास ही हो सकता है। 1 करोड़ 6 का फल पाओ, भारी ऑफर नहीं मिलता है। इसलिए आज अपने कर्मों का क्षय करने का विचार बना लेना। जो मजाक मजाक में कितनी हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हो जाता है, उन 5 पापों से बचने का पुरुषार्थ करना। मजाक मजाक में भी धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि कषाय की तीव्रता से हाथापाई तक उतर जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया कि मजाक करते करते झगड़ा हो गया, हाथापाई हुई और गोलियां आदि चल गई, प्राणघात हो गया। इसलिए ऐसा पाप का आश्रम मत करना। चर्चा तो बहुत बड़ी है, फिर भी समय के रहते रहते समझाने का पुरुषार्थ किया, और कभी मौका मिलेगा तो इसे और अच्छे से समझाने का पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन इतना समझ लेना, सारी दुनिया का जो सार है, अपने आगम का सार है, वो सिर्फ इतना सा है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, पुण्य करोगे पुण्यात्मा बनोगे, पाप करोगे पापात्मा बनोगे। अर्हंत बनने के लिए पुण्य की आवश्यकता है, सिद्ध बनने के लिए पुण्य और पाप दोनों के छोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग पहले अर्हंत बने, अर्हंत बनने के लिए उससे पहले संत बने, और संत बनने के लिए पहले एक अच्छे इंसान बने। यही आज का संदेश, यही उपदेश। बोले महावीर भगवान की जय। शिवाजी महाराज की जय। महाराज की जय। कर्म की विचित्रता किस प्रकार आज हमें कुछ महाराज ने गुरु को बताया, और हम कर्मों को नष्ट करेंगे, विधान भी करेंगे, विधान में इतने अच्छे दोहे हैं, पूरा पूरा समझ में आ जाएगा किस किस प्रकार से हम अपने कर्मों का बंधन करते हैं। और जिन से पहले हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में
Oh,
ओम नमः शिवाय 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 ओम न
भगवान के समक्ष हमने जो पूजन की है भगवान भाएंगे। फिर अक्षय परमात्मा से जो भी गलतियाँ हुई हो इस पूजा का सुनक कहेंगे गुरु से ना करो कभी कभी बोलो प्यारे भजन के मैं आपका रूप ध्याऊ तोलो सेव चरण जनके मोक्ष जो लो न पाऊ तेरे पुनीत चरणों में जब लो लीन रहो प्रभु तब लो पाया न मुक्ति पर समयसा कीजिए। अक्षय पदमात्रा से पूजित जो कुछ क्षमा करो हे करुणा निधि मुनि चुनाव भाव हे जगवंत जिन स्वर्ग तक पाओ चरण शरण बलहारी मरण समाप्ति भक्ति समाधि भक्ति पठन तक कायु संज्ञा करो भी हम नवार नवार नमस्कार करेंगे भगवान को बैठ करके श्री जिनवर की आशा It is
तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए तीर्थंकर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को।